हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल मेसान स्टार्स में। और आज की इस वीडियो में हम बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की स्टार एक्ट्रेस मानुषी चिल्लर की एज एन एक्ट्रेस रिलीज सभी मूवीज की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आगे के साथ शेयर करेंगे और साथ ही साथ उनकी कितनी मूवीज हिट, कितनी फ्लॉप, कितनी ब्लॉकबस्टर रही है और उनकी अपकमिंग मूवीज कौन सी है और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में उनके कम्प्लीट करियर का सक्सेस रेशियो क्या है, सभी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आप व्यूअर्स को प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आज की इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और साथ ही साथ मेसान स्टार्स को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो चलें व्यूअर्स, वीडियो का आगाज करते हैं इस इंट्रो के बाद। तो यूर स्टार एक्ट्रेस मानुषी चिल्लर का जन्म हुआ है 14 मई 1997 को और इस साल 14 मई 2024 को अपना 27वां जन्मदिन मनाएंगी। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एज अ मॉडल और एक्ट्रेस इनकी पहचान है। 2017 से ये एज अ मॉडल और एक्ट्रेस एक्टिव हैं और अब तक ये इस फील्ड में काम कर रही है। एज एन एक्ट्रेस मानुषी चिल्लर की डेब्यू मूवी सम्राट पृथ्वीराज 2022 को रिलीज हुई थी। सम्राट पृथ्वीराज को डायरेक्ट किया था चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने। फिल्म की लीड कास्ट में अक्षय कुमार, मानुषी चिल्लर, संजय दत्त, सोनू सूद, साक्षी तनवर और आशुतोष राणा शामिल थे और यह फिल्म 3 जून 2022 को रिलीज हुई थी। सम्राट पृथ्वीराज एक हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 5.7 स्टार दिए गए थे। 300 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 68 करोड़ 5 लाख के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन में 90 करोड़ 32 लाख और बॉक्स ऑफिस पर सम्राट पृथ्वीराज एक डिजास्टर मूवी साबित हुई। विजय कृष्णा आचार्य के डायरेक्शन में बनने वाली मूवी द ग्रेट इंडियन फैमिली। फिल्म की लीड कास्ट में विक्की कौशल, मानुषी चिल्लर, मनोज पावा और कुमन मिश्रा शामिल थे और यह फिल्म 22 सितंबर 2023 को रिलीज हुई थी। द ग्रेट इंडियन फैमिली एक फैमिली रोमांटिक ड्रामा मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 5.7 स्टार दिए गए थे। 40 करोड़ के बजट बनी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 5 करोड़ 65 लाख के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन में 7 करोड़ 77 लाख और बॉक्स ऑफिस पर द ग्रेट इंडियन फैमिली ये भी एक डिजास्टर मूवी साबित हुई। शक्ति प्रताप सिंह हरा की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी ऑपरेशन वैलेंटाइन। फिल्म की लीड कास्ट में वरुण तेज, मानुषी चिल्लर, नवदीप और मीर सरवर शामिल थे। तेलुगु और हिंदी लैंग्वेज की यह मूवी 1 मार्च 2024 को रिलीज हुई है। ऑपरेशन वैलेंटाइन एक एक्शन थ्रिल ड्रामा मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 5.7 स्टार दिए गए। 42 करोड़ के बजट बनी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 6 करोड़ 80 लाख के कलेक्शन किए और ये एक डिजास्टर मूवी साबित हो गई है। और फिर अब हम जिक्र करेंगे मानुषी चिल्लर की अपकमिंग मूवी बड़े मियां छोटे मियां के बारे में जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं फेमस डायरेक्टर अली आवाज जफर। फिल्म की लीड कास्ट में बड़े मियां का करेक्टर अक्षय कुमार प्ले कर रहे हैं तो छोटे मियां के करेक्टर में टाइगर श्रॉफ उनका साथ दे रहे हैं। पृथ्वीराज सुकुमारन इस फिल्म में नेगेटिव करेक्टर में दिखाई देंगे जबकि लीड एक्ट्रेस के तौर पर सोनाक्षी सिन्हा, मानुषी चिल्लर और अल्लाया फर्नीचर वाला इस फिल्म का हिस्सा है। और बड़े मियां छोटे मियां एक एक्शन कॉमेडी थ्रिल मूवी है जिसे ईद 2024 यानी 12 अप्रैल 2024 को रिलीज के लिए प्लान किया गया है। और वह मानुषी चिल्लर की नेक्स्ट अपकमिंग मूवी का नाम है तेहरान। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं अरुण गोपालन। फिल्म की लीड कास्ट में जॉन एब्राहम और मानुषी चिल्लर के साथ नीरू बाजवा इस फिल्म का हिस्सा है और इस फिल्म के लिए भी कहा जा रहा है कि एक फुल एक्शन थ्रिल ड्रामा मूवी है और इस फिल्म को 26 अप्रैल 2024 की रिलीज डेट पर प्लान किया गया है। और मानुषी चिल्लर की नेक्स्ट अपकमिंग मूवी का टाइटल फिल्म है जिसे डायरेक्ट करेंगे कुणाल कोहली। फिल्म की लीड कास्ट के लिए कार्तिक आर्यन, मानुषी चिल्लर और फरदीन खान के नाम लिए गए हैं और इस अनटाइटल मूवी के लिए कहा जा रहा है कि एक फुल एक्शन थ्रिल ड्रामा मूवी होने जा रही है। 2024 में फिल्म शूटिंग फ्लोर पर आएगी और 2024 के एंड या फिर 2025 में अनटाइटल मूवी आप को थिएटर्स पर देखने को मिल सकेगी। और वह स्टार एक्ट्रेस मानुषी चिल्लर अब तक 3 मूवीज में काम कर चुकी हैं और तीनों की तीनों मूवीज बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई हैं तो इस हिसाब से उनका सक्सेस रेशो 0.00% बनता है। तो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ हमारी आज की कोशिश आप व्यूअर्स को पसंद आई होगी। अगर हमारी आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और साथ ही साथ आपने हमारे चैनल मेसान स्टार्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और साथ ही मौजूद बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। हमारा आज का वीडियो देखने का आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया।